सो गाइस फाइनली लखनऊ वर्सेस राजस्थान रॉयल्स फोर्थ मैचेस अपना पिंक सिटी में खेला जाएगा, जहां आप सभी को मैं दिखाने वाला हूं ड्रीम इलेवन टीम्स के बारे में। सो गाइस आप सभी फुल वॉच करें। तो सबसे पहले विकेट हिसाब का हिसाब से अगर चुने जाते हैं तो केएल राहुल को सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि वो बैटर और बॉलिंग में बेहतरीन है। अगर आप सभी जॉस बटलर को भी रख सकते हैं या केएल राहुल, मेरा हिसाब से तो मैं केएल राहुल को चुनने वाला हूँ। और बैटर के हिसाब से अगर चुना जाता है तो सबसे पहले तो मैं जो यशस्वी जायसवाल को रखूँगा, क्योंकि अगले साल उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस था, इस साल भी शायद हो सकता है, बट बाय चांस लकी का बाद है। तो मैं सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल को लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि T20 सीरीज पे भी अच्छे रहे हैं उसका प्रदर्शन। उसके बाद मैं केएल मायर्स को लेने वाला हूं, क्योंकि उसका प्रदर्शन T20 IPL में अगले साल बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा था। उसके बाद न्यू जो आने वाला है, यानी कि यूनिक जो प्लेयर्स है वो 10 करण है। इन जितने भी T20 प्लेयर्स आते हैं सब यूनिक ही हैं। उसके बाद अगर लेना है तो सिमरन हेडमायर को ही लूँगा, क्योंकि सिमरन हेडमायर ऐसे एक प्लेयर है जो टीम जिताने का दमखम रखते हैं। और उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर पे, तो सबसे पहले मैं मार्कस स्टोइनिस को चुनूंगा, क्योंकि बॉलिंग और बैटर में बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं ये, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं मार्कस स्टोइनिस को लूँगा। अगर उसके बाद आप सभी को लेना है तो डोमन फेरेरा को ले सकते हैं, क्योंकि जितना यूनिक प्लेयर आ रहे हैं, यानी कि जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं उन लोग ही बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं इस साल का मैचेस पे, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं लगातार 3 मैचेस पे जितने भी यूनिक प्लेयर हैं उन लोग की बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं। तो सब मैं डोमन फेरेरा को लेने वाला हूँ। अगर उसके बाद किसी को लेना है तो रेयान पारेख को ले सकते हैं, क्योंकि वो बेहतरीन बैटर के हिसाब से, ऑलराउंडर के हिसाब से बेहतरीन है, ठीक है ना। अगले साल का प्रदर्शन उनका ख़राब नहीं गया, बट बहुत ही अच्छा भी नहीं है, मीडियम पे है। तो उसके बाद अगर बॉलिंग पे आते हैं तो सबसे पहले युजवेंद्र चहल को लेने वाला हूँ। ट्रेंट बोल्ट इतना फर्स्ट बॉलर पे नहीं आ सकते, क्योंकि फर्स्ट बॉलर मार खाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं स्पिनर को ज़्यादा चुनता हूँ। उसके बाद अगर ले सकते हैं तो रवि बिश्नोई को भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका T20 सीरीज पे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप सभी को लेना है तो मोहसिन खान, या आप सभी ले सकते हैं KSN, ठीक है ना। तो ये दोनों बेहतरीन प्लेयर हैं T20 के हिसाब से, ठीक है ना। तो मैं मोहसिन खान को ही लेना चाहूँगा, ठीक है। आप सभी KSN को भी रख सकते हैं या मोहसिन खान को ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो मोहसिन खान को ही चुनूँगा, क्योंकि वो फर्स्ट बॉलर पे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते आ रहे हैं लगातार सालों में, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी का टीम रेडी हो जाता है, तो इसके बाद आता है आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो मेरा हिसाब से मैं कैप्टन मार्कस स्टोइनिस को चुनूंगा, क्योंकि इस साल शायद खेल सकते हैं, क्योंकि अगर अगले साल उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं थे तो इस वजह से शायद मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो इसको कैप्टन रखना बहुत ही अच्छा रहेगा इस टीम के लिए। और वाइस कैप्टन में तो यशस्वी जायसवाल को रखूँगा, मेरा बॉस, मेरा भाई, उसी को ही रखने वाला हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं वाइस कैप्टन उसी को ही रखने वाला हूँ। तो आपका टीम हो जाता है रेडी, या आप सभी रख सकते हैं वाइस कैप्टन के हिसाब से सिमरन हेडमायर या केएल मायर्स, इस दोनों का अंदर किसी एक को रख सकते हैं आप सभी। सो गाइस आप सभी अगर जो मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।